तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वाले वीडियो में आज हम देखेंगे कि हमारे टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर कौन से भी व्हीकल के ऊपर कौन सा चालान या फिर जो फाइन रहता है जो ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगाया जाता है वो है या नहीं है, या फिर पेंडिंग है, या फिर कितनी अमाउंट पेंडिंग है, वो सब हम देखेंगे। अब आपको पता है आजकल जो ट्रैफिक पुलिस वाले रहते हैं वो डायरेक्ट फोटो काट ले रहे हैं और फाइन मार ले रहे हैं, हमें पूछ रहे भी नहीं है। तो ऐसे में हमें समझ में नहीं आता हमारी गाड़ी पे फाइन है या नहीं है, तो हम कैसा चेक कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, कौन से भी ब्राउजर पे आ जाना है। अब वो ब्राउजर पे आप मोबाइल के ऊपर चल जाओ या फिर लैपटॉप या पीसी पे जाके कौन सा भी ब्राउजर ओपन कर लो और वहाँ पे आपको ई चालान डाल देना है। बस ई चालान डाल के सर्च करो, आपके सामने ये वाली वेबसाइट आएंगी। तो आपको यहाँ क्या करना है, आपका व्हीकल नंबर डालना है। सिंपल, आपका जो भी व्हीकल नंबर रहेगा वो डाल दो यहाँ पे। सब में पहले मैं यहाँ डाल देता हूँ। व्हीकल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका इंजन नंबर रहता है आपकी गाड़ी का, उसका लास्ट 4 डिजिट आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपको पता नहीं है आपकी गाड़ी का इंजन नंबर कहाँ पे होगा, तो आपका जो भी आरसी बुक रहती है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट रहते हैं आपकी गाड़ी के, उसके ऊपर आपको वहाँ पे इंजन नंबर दिख जाएगा। तो जो आखिरी का रहते हैं वो आपको यहाँ डाल देना है। अब यहाँ पे थोड़ा इसको ब्लर कर दूंगा सिक्योरिटी के लिए। और ये होने के बाद आपको सिंपल आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है। अब इसे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो भी मोबाइल नंबर वहाँ पे आपके गाड़ी को अटैच रहेगा, मतलब जो भी आपकी गाड़ी आपने जब उठाई वाली या फिर खरीदी वाली रहेंगी उस पर जो मोबाइल नंबर दिया वाला रहेगा, वो मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा। सिंपल आपको वो ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डाल के सबमिट कर लो। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी गाड़ी पे कितने चालान है, कब हुए वाला है, कौन सी तारीख का है, किसके द्वारा लगाया गया है। मतलब जब चालान लगाया था आपकी गाड़ी पे तो गाड़ी कौन चला रहा था, ड्राइवर कौन सा था, वो आपको यहाँ पे सब दिख जाएंगे। और अनपेड वो सब दिख जाएंगे आप देख सकते हैं। और अगर आपको उसमें जो फोटो काटते हैं वो फोटो देखना, आप यहाँ पे वो फोटो भी देख सकते हैं। व्यू पे क्लिक करो। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरी डिटेल्स आ जाएंगी और यहाँ पे इमेज पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको सब दिख जाएगा, पूरी डिटेल्स दिख जाएंगी। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।